हम सभी मम्मियाँ कभी परफेक्ट नहीं होती, बट हाँ, हम परफेक्ट बनने की दिन ब दिन कोशिश हमेशा करते हैं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ टिप्स के साथ कि हम स्मार्ट मॉम्स कैसे बन सकते हैं। तो हमें सबसे पहले, अगर स्मार्ट मॉम बनना है तो पहले हमें अपने आप को खुश रखना होगा। यस, आपने सही सुना, खुश रहिए, सुबह उठ के तैयार हो जाइए और देन अपने दिन की शुरुआत करिए। इससे हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाएंगे। तो मेरी सबसे पहली टिप है, स्मार्ट मॉम बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों के साथ बच्चा होना पड़ेगा। करेक्ट, आप अपने काम जो भी करते हो दिन भर में, उनमें से थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने बच्चों के लिए, उनके साथ खेलिए। उन्हें भी समझना चाहिए कि मेरी मम्मा मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं, वो हमें थोड़ा तो टाइम दे रहे हैं। मैं नहीं कहती कि हमें अपने बच्चों के साथ पूरा दिन बैठना है, बट कोशिश करिए कि आप समय थोड़ा सा निकालिए और उनके साथ खेलिए, जिनसे उन्हें बहुत चीज़ें अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे है मेरा छोटा बेटा और मेरी बेटी, मैं उनके साथ थोड़ा वक्त निकाल के हमेशा खेलती हूँ। वो कुछ ना कुछ मुंह में डालता होता है तो हमें उन पे ध्यान देना होता है। तो इस तरीके से ये है मेरी पहली टिप, तो आप ज़रूर अपने बच्चों के लिए टाइम निकालिए। सेकेंडली, बच्चे खाना खाने के लिए और सब्जियां खाने के लिए बहुत परेशान करते हैं। उन्हें डांटना नहीं है, बल्कि हमें उन्हें ये सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस बतानी है। मेरी नेक्स्ट टिप, बच्चे जब पढ़ाई करते हो तो हमें बच्चों के साथ पढ़ाई के लिए बैठना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। जो टॉपिक्स उन्हें डिफ़िकल्ट जाते हैं वो हमें उन्हें बताने चाहिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि हमारे पास बहुत कम वक्त होता है और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फटाफट पढ़ाई करे और देन वो आगे बढ़ जाए, बट ऐसे हर बार मुमकिन नहीं होता है। हमें उनके लिए टाइम निकालना होता है ताकि वो हमें हमारे उनके सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करें एंड देन वो हर चीज़ें टाइम पे करें। जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे उनकी कंपोस्ट बॉक्स है, उनकी बॉटल है, वो आप उनके पास में ही रखें ताकि उनको कोई एक्सक्यूज़ देने का मौका ना मिले। जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए तब उन्हें जो पसंद है वो करने के लिए आप उनको परमिशन ज़रूर दें, ताकि वो उस चीज़ों ने उन्हें टास्क दिया है उस पर वो कॉन्सेंट्रेट ज़रूर कर पाए और अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से कंप्लीट करे। मेरी बेटी को मेरे छोटे बेटे के साथ खेलना पसंद है, तो मैं उसे उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ये करने ज़रूर देती हूँ। जो मेरी नेक्स्ट, अब मार्केट में कई तरीके के ऐसे जंक फूड के पैकेट्स मिलते हैं, बच्चों को उनकी क्रेविंग्स होती है, तो आप ऐसी आइडिया लगाइए कि जब बच्चों का खाने का टाइम हो जाए तब उन्हें आप ही कुछ अच्छा और स्पेशल बना के ऑफ़र कर दीजिए, ताकि बच्चे को जंक फूड की याद ही ना आए और बच्चा जो हमने बनाया है वो अच्छे से खा ले। कभी कभार जंक फूड तो चल जाता है भाई, बच्चे हैं तो हमें उनको नहीं रोकना चाहिए। मेरी नेक्स्ट टिप ऐसी है कि बच्चे को आप अपने कामों में इन्वॉल्व कर लें। यहाँ पे देखिए, मेरी बेटी मुझे कपड़े सुखाने के लिए हेल्प कर रही है, तो जब हम उन्हें अपने कामों में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मुझे भी बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है घर पे, मम्मा मुझे भी कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर दे रही है, छोटा क्यों है बट यस, मुझे ज़रूर दे रही है, तो मैं मम्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो वो जो इंपॉर्टेंस की फीलिंग है ना, आप उन्हें ज़रूर फील करवाइए। देखिए, आपका बच्चा बहुत खुश हो जाएगा। और जब उन्हें ये काम वो कंप्लीट कर लेता है आपका बच्चा, तो आप उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ भी दे सकते हो। चाहे आप उन्हें घुमाने ले जाइए, आप उन्हें कहीं आउटिंग के लिए ले जाइए, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरी बेटी को स्विमिंग करना बहुत पसंद है, तो हम हाल ही में अलीबाग गए थे बीच पे, तो हमने उन्हें वो सरप्राइज़ दी थी। तो ये आप ज़रूर करिए। नेक्स्ट टिप है, बच्चे को कभी नहीं डांटे किसी और के सामने। जी हाँ, मैंने आपको जो बताया है वो सही है, आप बच्चों को किसी और के सामने नहीं डांटे। अगर आपको बच्चे को डांटना है तो अकेले में डांटे और उन्हें समझाइए। ऐसे करने से बच्चे पे बुरा असर नहीं पड़ता है। अगर आप थर्ड पर्सन के सामने बच्चे को डांट देते हैं तो हर एक बच्चे के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है,
तो वो हर्ट हो जाता है और बच्चा बहुत डिप्रेस हो जाता है। पहली बात तो ये है कि बच्चे को डांटने की कोशिश ना करें, कोशिश करिए कि उन्हें आप समझाएं। ऐसे मैं नहीं कहती हूँ कि मैं कभी मेरे बच्चों को नहीं डांटती, मैं बहुत बार डांटती हूँ, बट यस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें सबसे पहले समझाऊँ। अगर वो नहीं समझते हैं देन फिर थोड़ा डांटना तो ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप मेरे हॉल में देख सकते हो कि मैंने बीच में थोड़े से डिब्बे लगाए हैं, बिकॉज ये जो मेरा छोटा बेटा है वो बड़ा शरारती है, वो यहाँ से वहाँ घूमता है एंड देन फिर वो सब कुछ मेरा किचन जो ओपन है वो सारे डिब्बे निकाल के बैठ जाता है, तो इसके लिए ये जुगाड़ मुझे करना पड़ता है। तो हाँ, ये मैं आपको टिप बता रही थी कि बच्चों को आप डांटिए, ज़रूर डांटिए, बट अकेले में डांटिए, उन्हें थर्ड पर्सन के सामने कभी ना डांटिए, उस तरीके से वो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये जो वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आपको, वो आप फॉलो करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। आप देखिए आपका जो रिलेशन है आपके बच्चों के साथ, आप उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। मैं नहीं कहती कि मैं एक परफेक्ट मॉम हूँ या फिर मैं एक स्मार्ट मॉम हूँ, बट यस मैं हर दिन ये कोशिश तो ज़रूर करती हूँ कि ये सारे टिप्स मैं फॉलो करूँ, मैं ट्राई करूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत अटैच हूँ। एक बात आपको मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ, जब आप ही आपके बच्चे के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे तो बच्चा हमेशा दूसरे में अपनी मम्मी को ढूंढेगा। जब किसी और के साथ जाएगा तो सोचेगा कि मेरी मम्मी इस मम्मी की तरह होनी चाहिए थी। तो ये सब आप ना करें, बच्चों को कभी ना डांटे। सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये है कि बच्चों को आप कभी किसी और के सामने ना डांटे, अकेले में डांटे, जो मैंने आपको लास्ट में भी बताया है। तो होप आपको ये पॉइंट्स फॉलो करके आप जरूर स्मार्ट मॉम को जरूर बनाएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ये वीडियो को एक लाइक करिए, बहुत सारा शेयर करिए जो मम्मीज है, एंड देन इस तरीके से आप बहुत सारे मम्मीज को हेल्प कर सकते हो। एंड देन अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिए, बिकॉज उससे प्रेस करने से आपको मेरे वीडियोस के हर नोटिफिकेशन तुरंत मिलेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूंगी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक बाय।